किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से धान की जिस फसल को आप देख रहे हैं यह PBT 5204 है। इसे ही हम साभा भी कहते हैं। इसका दाना शॉर्ट होता है, यानी कि छोटा होता है, और यह एक महीन धान की वैरायटी है और काफ़ी नामी वैरायटी है, और इस वैरायटी से महीन धान की बम्पर पैदावारी भी मिलती है। यह लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है, यानी कि 145 से लेकर 150 दिन का समय लेती है यह, तो इसलिए इस वैरायटी को हम उसी ज़मीन में लगाते हैं जहां लंबे समय तक पानी भराव की स्थिति रहती है, यानी कि पानी लंबे समय तक खेत में बना रहता है। इसके पौधे की हाइट की बात करें तो लगभग 90 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की हाइट होती है, और फसल काफ़ी आकर्षक और शानदार दिखती है। इसमें एक और खासियत देखने को मिलती है कि जैसे ही फसल पकाव में आती हैं, यानी कि बालियां निकल चुकी होती हैं, तो इसकी बाली पत्तियों में छिपी हुई दिखती है, यानी कि टोटल बाली आपको ऊपर से नहीं दिखेगी बल्कि पत्तियों के बीच में छिपी हुई दिखती है, और इसका झंडा पत्ता भी चौड़ा होता है, और आप खुद देखिए इसकी बाली कितनी शानदार है, लंबी बाली भी है, दाने भी नीचे से ऊपर तक बहुत अच्छी तरह से भरे हैं, और दाने चमकदार और सफ़ेद कलर के होते हैं। जब इसकी आप कुटाई कराएंगे तो आपको 70% चावल इससे मिलता है, तो चावल भी यदि किससे मिलता है, और यह BLB जैसी गंभीर बीमारी के लिए भी जबरदस्त सहनशील है। BLB एक बैक्टीरियल बीमारी होती है, इसे हम बैक्टीरिया जनित झुलसा भी कहते हैं। इसका अटैक ज़्यादा पत्तियों पर होता है, तो यह BLB बीमारी के लिए जबरदस्त सहनशील है। यह हल्दी बीमारी के लिए सहनशील नहीं है, इस वैरायटी में हल्दी बीमारी आती है, तो यह भ्रम मत पालिएगा कि इसमें हल्दी बीमारी नहीं आएगी, यह हल्दी बीमारी के लिए सहनशील नहीं है। और कल्लों के फुटाव के बारे में बात करें तो इसकी फसल में बहुत ज़बरदस्त फुटाव देखने को मिलता है। इसके एक पौधे में 12 से लेकर 18 कल्ले मिल जाते हैं, और एक एकड़ खेत की रोपाई के लिए 8 से लेकर 9 किलोग्राम बीज नर्सरी तैयार करने के लिए लगता है। इसकी आप रोपाई के माध्यम से भी खेती कर सकते हैं, वहीं इसकी आप सीधी बिजाई भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कितनी आकर्षक फसल लग रही है, काफ़ी शानदार है, और बालियां भी इसकी लंबी होती है, और इसका चावल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। सुगंध तो नहीं होता है इसके चावल में, लेकिन खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। ज़्यादातर लोग इसकी बुआई चावल के लिए ही करते हैं, और इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इस वैरायटी से महीन धान की बहुत ज़बरदस्त पैदावारी भी मिलती है। तो यह रोगरोधी वैरायटी है, इसमें कई ऐसी बीमारियां हैं जो नहीं आती हैं, और हाइट भी इसकी बौनी होती है, तो इसकी फसल विपरीत मौसम होने पर गिरती नहीं है। इस वैरायटी को हम निचली ज़मीन में लगा सकते हैं, यानी कि जहाँ पानी लगाव किसी रहती है तो वहाँ हम इस वैरायटी की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है, यदि आप अच्छा चावल खाना चाहते हैं और महीन धान की बहुत अच्छी पैदावारी भी चाहते हैं तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। यह साभा नाम से काफ़ी मशहूर है, और PBT 5204 के नाम से यह दुकानों पर मिल जाती है। तो अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।